हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल सॉर्टेड। एंड थोड़ा सा लोकेशन इज चेंज बिकॉज आई वांटेड टू गेट सम नेचुरल फील ओवर हियर। एंड द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज डायरेक्टली एड्रेसिंग द फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट्स। ठीक है, मेरा जो भी ज्ञान है, मेरे फ्रेंड्स का ज्ञान है, मैं सब कुछ बांटने वाला हूँ एज इट इज। फर्स्ट नंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव जॉइंड द बी स्कूल। ओके, बहुत सारे लीडरशिप टॉक्स हो रहे होंगे, मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम दिस कंपनी और दैट कंपनी मस्ट बी विजिटिंग यू फॉर अ लीडरशिप टॉक। प्लेसकॉम मस्ट बी अरेंजिंग अ सेशन विद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स मोस्टली ऑन संडेज एंड सैटरडेज, बिकॉज संडेज एंड सैटरडेज को ये लोग फ्री होते हैं जो है ना कंपनी में काम करते हैं, तो वो अपना टाइम देने को दो घंटा आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट प्री कोविड थिंग, पोस्ट कोविड थिंग, सिनेरियो क्या होने वाला है, हाउ द बिजनेसेस आर गोना चेंज, हाउ द स्ट्रक्चर्स गोना चेंज, हाउ कल्चर एम्पथी एंड दिस एंड दैट। सो नॉट मेकिंग फन ऑफ इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो आपको वॉट इज द टेक अवे यू शुड टेक फ्रॉम दिस लीडरशिप टॉक्स। सो सपोज अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम BCG, फ्लिपकार्ट, ओके, बेन, Amazon फॉर अ लीडरशिप टॉक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, L&T, सो दे विल bring certain things with them from the industry. Okay, this is the best time to know about different industry structures, because companies के लोग एक particular industry से नहीं आएंगे। कोई Flipkart से आएगा, ठीक है, e-commerce हो गया, कोई महिंद्रा logistics से आएगा, logistics हो गया, कोई manufacturing से आएगा, कोई ऑटो से आएगा, टाटा मोटर्स से आएगा, कोई स्टार्टअप से आएगा। ओके, एंड सो द माई पॉइंट इज यू विल बी एबल टू गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स। माई ओके, आस्क वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द PPT सेशंस। ओके, इन द समर प्लेसमेंट टॉक्स के लिए भी लोग आएंगे, पीपल रिमेंबर यू। ओके, इफ़ यू आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉक्स दैट दे गेव, फ्रेम योर क्वेश्चंस व्हाइल द टॉक एंड आस्क योर क्वेश्चंस। ओके, जितना जान सको इंडस्ट्री के बारे में फ्रॉम दीज पीपल। ओके, अंडरस्टैंड दिस कि दे आर स्पेंडिंग दैट टाइम एंड यू आर लकी इनफ टू टॉक टू दीज पीपल हु आर MD, CEO, CFO, CHRO, CXO levels, who are, you know, taking their time out to talk to you. Why are they coming? First of all is employer branding. Okay, all companies want to set an image in the minds of the student ki hum aise company hai, we are this, we do this, we are so good. People want to showcase, grab this opportunity right now. So day zero slot mein, day one slot mein, aap apply karo bhar ke. Make it a win-win for both you and the company. You ask a lot of questions, you increase your knowledge about the industry, you increase your knowledge about how people make the PPTs. Okay, this is the digital time, so you'll understand how they are structuring the PPTs. Very less content, more of talking, the design, the aesthetics of the PPT, very important. Note karo, screenshots lo, snapshots lo, because this is a digital age. Pehle to we could not, you know, take out our mobile phones. Now it is very important that you take the snapshots of the PPTs, kaise wo log banate hai, that will be of use in your B-School competitions and your whole life ahead, because PPT se bahut zyada kaam ho jayega. So my number two point, B-School case study competitions. A lot of competitions will be coming, jaise abhi L'Oreal ho gaya, sustainability, Colgate aane wala hai, Colgate announce ho gaya hai. बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अभी लाइंड अप होंगे फॉर, एंड मोस्टली इट विल बी लाइंड अप फॉर फर्स्ट ईयर्स, फ्यू विल बी लाइंड अप फॉर सेकेंड ईयर्स, एलिजिबिलिटी डिफरेंट होता है। सब में कॉमन चीज़ होता है कि टीम ऑफ थ्री, ओके, द मोस्ट कॉमन पैटर्न इज टीम ऑफ थ्री इज रिक्वायर्ड इन दीज कॉम्पिटिशन्स। एक बंदा ऐसा चुनो जो PPT बनाने में मास्टर है, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स में मास्टर है। दूसरा ऐसा चुनो जो फिनेंस उसका बहुत अच्छा है, तगड़ा है, ठीक है, फिनेंस का उसको नॉलेज है। और ऐसा एक बंदा चुनो जो हसलर है, जो सबको इंस्पायर करेगा कि यार काम करना है, अकाउंटेबल बहुत है, ही इज़ द वन हु टेक्स इनिशिएटिव्स। ओके, इट इज़ नॉट दैट यू चूज ऑल द थ्री पीपल हु आर वेरी स्मार्ट इन एकेडमिक्स एंड दे विल डू वेल इन बी स्कूल कॉम्पिटिशन, बिल्कुल नहीं। You need diverse three people. One has to be very good in PPT and presentations, the data. One has to be good in marketing, finance. One has to be a hustler who actually inspires all three of them to work. And he is the kind of person who takes initiatives. Karo karo yaar, humko time spend karna hai. So choose your group very wisely.
ट्राई, अभी फर्स्ट ईयर का टाइम है, ट्राई डिफरेंट यू नो परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल एंड आपको होपफुली इन सेकेंड ईयर यू विल रियलाइज दीज आर द थ्री पीपल आई फिट बेस्ट इन, दिस इज द बेस्ट ग्रुप पॉसिबल. सो या डू दैट. पॉइंट नंबर थ्री इज नाउ दैट योर क्लासेज हैव स्टार्टेड, interact with the seniors. The seniors have already seen the first year. ठीक है, आप जो face करने वाले हो, they have already faced all the things. How to study for a particular subject, how to study for a particular professor. Okay, it is very important to know what a particular professor is looking for in his answers or whatever in the case solutions, in the presentations. Talk to your seniors. Okay, मेरा एक गलती हुआ था कि I did not actually gel a lot with the seniors. I was basically थोड़ा सा, I'm an introvert person, so it takes a bit of a you know effort from my side to go and start a conversation. But don't do this mistake. I know it will be a bit difficult because of the you know work from home thing setting and you are not physically present to interact with people. Identify the seniors who are good at a particular thing. Some senior must be good at academics, some senior must have aced a lot of B-school competitions. You should know किसके पास कब जाना है, किससे क्या पूछना है, that is an intelligent person. ठीक है, थोड़ा सा information निकालो, कौन किस में अच्छा है, कौन कौन से competition ace कर चुका है. अभी Colgate जैसा competition आ रहा है तो last year winners देखो, last to last year's winners देखो, उनसे आपको interact करना पड़ेगा. और लोग आपको तभी मदद करेंगे इफ़ यू आर इन कॉन्स्टेंट टच विद देम. ऐसा नहीं कि अभी कॉम्पिटिशन है, आपने सीधा फ़ोन उठा के सर मेरे को बताओ हाउ डिड यू विन, ऐसा डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं करता है. यू हैव टू बी इन कॉन्स्टेंट टच विद देम. ओके, उनको मैसेज भेजते जाओ, यार सर ऐसे ऐसे लेक्चर चल रहा है, आई एम फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग, हाउ टू स्टडी फॉर दिस सब्जेक्ट, दिस एंड दिस, बी इन कॉन्स्टेंट टच. सो माई फोर्थ पॉइंट इज PPT एंड एक्सेल. ठीक है, पावर पॉइंट एंड एक्सेल आपको इतना मदद करने वाला है आपको पता भी नहीं चलेगा अभी. ठीक है, माई सजेशन इज इफ यू डू नॉट हैव अ वर्क एक्सपीरियंस, इफ यू हैव नॉट थरली यूज एक्सेल एंड पावर पॉइंट, माई सजेशन इज गो टू कोर्सेरा और यूडेमी और गो टू यूट्यूब. ठीक है, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे आपको फ्री ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे ऑफ एक्सेल एंड यू नो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट. आप जितना एडवांस कर सको दैट इज़ बेटर फॉर यू. ओके, डोंट लिमिट योर सेल्फ कि आपको बस एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है एक्सेल में, गो हायर, आपको मैक्रोस के लेवल तक जाना है. ठीक है, वी लुकअप, एच लुकअप, सब कुछ आना चाहिए. सो स्पेंड योर टाइम एवरी डे एटलीस्ट एन आवर टू बिल्ड द प्रेजेंटेशन एंड एक्सेल स्किल्स एंड वॉट एवर SPSS अगर आपको भी रिक्वायर्ड है, इफ़ यू आर अ मार्केटिंग गाय और एनालिटिक्स पर्सन, SPSS भी आप सीख लो. सो SPSS, पावर पॉइंट एंड एक्सेल इज माई टेक अवे. ठीक है, आप कर दो ये तीन चीज़ें, इन्वेस्ट इन इट डेली बिकॉज द टाइम विल स्लिप लाइक दिस. द फर्स्ट ईयर ऐसे चले जाएगा और आपका अगर स्किल नहीं बढ़ा तो यू विल रिग्रेट. दीज थिंग्स आर एक्चुअली गोन हेल्प यू इन बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स, दिस विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल्स, पीपल विल अप्रोच यू, या भाई ये बता दे SPSS का, ये बता दे मुझे PPT में ये कौन सा फॉन्ट यूज़ करूँ, कौन सा फॉर्मेट यूज़ करूँ. सो आई विल बी सून मेकिंग वीडियोज रिलेटेड टू हाउ टू मेक पावर पॉइंट. ओके, ऑसम PPT प्रेजेंटेशंस का फॉर्मेट्स रेडीमेड अवेलेबल होता है. आई एम गोइंग टू मेंशन द सोर्सेज इन माय अपकमिंग वीडियो. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर. एंड माय टेलीग्राम चैनल आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द सोर्सेज ऑलरेडी. ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. माय पॉइंट नंबर फाइव इज सो इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस. ठीक है, डेलॉइट का ऐप आता है विच आई हैव मेंशनड इन माय प्रीवियस वीडियोस, एंड मैकिन्ज़ी इनसाइट्स का भी ऐप आता है. सो डेलॉइट इनसाइट्स, मैकिन्ज़ी इनसाइट्स, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, दीज आर द फोर थिंग्स जो आप रिचुअल बना लो कि मुझे ये दिन में रोज़ करना ही है, एक घंटा लगे, डेढ़ घंटा लगे. इकोनॉमिक टाइम्स तो भाई बेसिक है. इफ़ यू आर एन MBA स्टूडेंट, इफ़ यू आर इन द फर्स्ट ईयर, इकोनॉमिक टाइम्स आप रोज़ नहीं पढ़ रहे हो तो क्या ही कर रहे हो भाई. आई विल टेल यू द एडवांटेजेस. कल आपका इंटरव्यू होगा समर प्लेसमेंट में, सपोज रिलायंस आ रही है. ओके, रिलायंस आस्क्ड यू इन द इंटरव्यू, आखिरी में क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस. एंड सपोज अ पर्सन सेज यस सर आई हैव रेड दिस इन द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर लास्ट वीक दैट रिलायंस जियो मार्ट इज प्लानिंग टू अक्वायर दिस इज द स्ट्रैटेजी, किराना स्टोर्स विल बी कमिंग ऑन व्हाट्सएप, एंड सर आई जस्ट वॉन्टेड टू नो मोर ऑन हाउ यू आर यूटिलाइजिंग द होल इको सिस्टम ऑफ सप्लाई चेन एंड ऑल, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड गोइंग टू एड टू द वैल्यू चेन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. सो
डू यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस? अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हो विच इज़ डायरेक्टली वेरी इंटीमेट विद द इंडस्ट्री, पीपल विल रियलाइज दैट यू आर वेल रेड पर्सन, यू हैव एन एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड, यू आर अवेयर. सो ये छोटी छोटी चीज़ प्लेज अ लॉट ऑफ रोल इन योर समर इंटर्नशिप का इंटरव्यूज ऑल्सो. सो न्यूज़ पेपर, इकोनॉमिक, सबसे बेयर मिनिमम करना है तो इकोनॉमिक टाइम्स, थोड़ा ऊपर जाना है तो इंडियन एक्सप्रेस, उससे भी ऊपर जाना है तो डेलॉइट इंसाइट्स एंड मैकेंजी इंसाइट्स. सो या गाइज, दीज वर ऑल द 5 टिप्स दैट आई वॉन्टेड फॉर द फर्स्ट ईयर्स टू एस. इफ यू वॉन्ट टू रॉक, इफ यू डोंट वॉन्ट टू रिग्रेट बाद में जाके यार ये मैंने ये कर लिया था, वो कर लिया था, ये 5 पॉइंट अगर आप कर लेते हो ना भाई, सो आई कैन गारंटी यू, यू विल थैंक मी लेटर. बाद में आके कमेंट कर देना, अखिल भाई यू रियली हेल्प मी, बिकॉज नो वन वॉज देयर टू टेल मी ऑल दीज थिंग्स, बट आई हैव डन सम ऑफ दीज थिंग्स एंड इट रियली हेल्प मी, एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग दीज 5 थिंग्स एंड दैट हैज़ बेनिफिटेड देम अ लॉट. दे हैव वन अ लॉट ऑफ बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स, दे हैव अ गुड रैपो विद देयर सीनियर्स, कभी भी सीनियर्स उनको मदद कर देते हैं, वो एकेडमिक्स में भी फिर अच्छे कर लेते हैं. सो ऑल दीज 5 पॉइंट्स एंड दीज वर ऑल द टेक अवेज. सो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स टू योर फर्स्ट ईयर MBA फ्रेंड्स. आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, बस एक शेयर ही करना है आपको, एंड लेट दिस अवेयरनेस स्प्रेड एंड लेट अस ऑल ग्रो हियर. नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू गुड सोर्सेज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल कहाँ से करना है, क्या करना है. टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट लाइक एंड आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, ऑल सॉर्टेड.